सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। द कश्मीर फाइल्स की टीम से मिले पीएम मोदी, द कश्मीर फाइल्स की तारीफ। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपिया में सीआरपीएफ जवान को शहीद करने वाला आतंकी गिरफ्तार। पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को मिली बड़ी कामयाबी, देश छोड़कर भाग रहे सदस्य को एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। सीआरपीएफ के जवानों में जोश भरेंगे अमित शाह, जम्मू में 19 मार्च को सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में होंगे शामिल। भारतीय श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीलनेक्स का हुआ समापन। युद्ध के चलते पढ़ाई अधूरी छोड़कर यूक्रेन से वापस आए भारतीय छात्रों की सरकार से अपील, कहा देश रहते हुए पूरी पढ़ाई करने की करे मदद। पश्चिमी देशों में प्रतिबंधों से परेशान रूस ने भारत को तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का दिया न्योता। कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे उठाने जा रहा है नया कदम, 100 स्टेशनों पर खोलेगा फूड प्लाजा। आरएसएस ने मजहबी कट्टरता पर जताई चिंता, कहा धार्मिक आजादी की आड़ में हो रहा है उन्मादी कार्यक्रम का आयोजन। देश में प्रतिदिन 50 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य, नितिन गडकरी ने कहा परिवहन लागत को कम करना मुख्य मकसद। यूएनएससी की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने रखी बात, कहा जैविक हथियार संधि के मुद्दों को आपसी सहयोग से सुलझाए संबंधित पक्ष। मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, 19 घंटों का अतिरिक्त कार्य समय मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन में देश ने देखा पुलिस का मानवीय चेहरा, लोगों को धारणा बदलने की जरूरत। तेलंगाना के मंत्री बोले जरूरत पड़ी तो काट देंगे कैंट में सेना का बिजली पानी। पंजाब में नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद भगवंत मान बोले आम जनता की सुरक्षा ज्यादा जरूरी। कन्नौज में जीटी रोड पर दो मिनी ट्रक की भिड़ंत के बाद टकराई कार, दूल्हा दुल्हन सहित 8 घायल। प्रयागराज में चुनावी खुन्नस में भाजपा समर्थक की हत्या, आक्रोश और तनाव के बीच थाने का घेराव। नोएडा में 6 लाख लोगों को जल मिलेगा, गंगा जल बिछाई जा रही पाइपलाइन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक पलटने से फैल गई अनार की पेटी, चालक और परिचालक गंभीर। भदोही में
लहसुन के एक बीघा खेत में हो रही थी अफीम की खेती, नारकोटिक्स विभाग ने की कार्रवाई। अलीगढ़ में हिजाब बुरका से संबंधित मामला, महाविद्यालय में ड्रेस कोड को लेकर चस्पा हुआ नोटिस, चेहरा ढककर छात्र छात्रा के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। बस्ती दबंगों की दबंगई आई सामने, गांव के युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। बिजनौर में मंचलों के हौसले हुए बुलंद, बुरके की आड़ में महिलाओं से छेड़खानी। चंदौली में ईवीएम बदलने का ऑडियो हुआ वायरल, अखिलेश ने राष्ट्रपति से न्याय की मांग। एटा में पंजाब की जीत पर एटा में जश्न, आपने निकाली तिरंगा यात्रा। मथुरा में होली से पहले लठमार, होली की धूम, नंदगांव में हुआ रसिया गायन का आयोजन। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, मामले में भाजपाइयों ने दर्ज कराया था मुकदमा। मिर्जापुर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच मारपीट, शिवालिक छात्रावास के छात्रों पर बरसाए लाठी डंडे। श्रावस्ती में दूसरी बार श्रावस्ती में लहराया भगवा, बीजेपी के रामफेरन पांडे जीते। मोमिन मुख्तार अंसारी की बेटी की बड़ी मुश्किलें, अब्बास अंसारी के खिलाफ धराएं बढ़ी। अमेठी में गांव के बाहर कुएं में मिला युवक का शव, गांव में मचा हड़कंप। अयोध्या में विज्ञापन प्रदर्शन, छात्राओं को किया गया सम्मानित। पत्रकार ने युवक की बचाई जान, युवक को कई बदमाशों ने सरेआम पीटा। अमेठी राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों का हंगामा, कहा कोटेद्वार नहीं देता था राशन। अमेठी में सुविधाओं से कोसों दूर स्कूल, बच्चों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। सिद्धार्थनगर में जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, सपा विधायक सैयदा खातून पर मामला दर्ज। संभल में बल्ब से हुआ भीषण विस्फोट, हादसे में बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। संभल मेंथा के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। एटा में ट्रैक्टर में लगी आटा चक्की फटी, चक्की फटने से एक महिला की मौत, दो घायल, आटा पिसवाने के दौरान हुआ हादसा। फतेहपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, विद्युत लाइन में देर रात हुआ फॉल्ट, हादसे में दुकानों का सामान जलकर खाक।
कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, दो डीसीएम और एक कार में हुई भिड़ंत। सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 8 घायल। कानपुर देहात में पेट के कीड़े मारने वाली दवा खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दवा खाते ही कुछ मिनटों में बच्चों की तबीयत होने लगी खराब। सहारनपुर में युवक ने की आत्महत्या, पति पत्नी के विवाद में उठाया कदम, यूपी पुलिस में कार्यरत है दंपति। श्रावस्ती शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रधान के परिवार पर दबाव बनाने के लिए हुई थी भाई की हत्या, दो हत्यारोपितों की गिरफ्तारी के बाद खुला राज। कलियर में सीओ विवेक कुमार ने थाने का किया निरीक्षण, थाना परिसर की व्यवस्था का जायजा लिया। रुड़की में प्रदीप बत्रा ने जीत के बाद प्रकाश होटल में की प्रेस वार्ता, विकास कार्य को प्राथमिकता देने का किया जाएगा काम। कांग्रेस में हार के बाद इस्तीफे का दौर शुरू, प्रदेश सह प्रभारी ने दिया इस्तीफा। रुड़की में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला युवक का शव, स्वजन से एक युवती पर लगाए संगीन आरोप। काशी मजदूरी कर लौट रहे युवक को गुलदार ने बनाया शिकार, घर में कोहराम, दहशत में आया गांव। पचपन शिक्षकों पर जल्द दर्ज होगा मुकदमा, जाली दस्तावेजों से आधार पर मिली थी नौकरी। सुविधा स्टोर में अचानक उठने लगी आग की लपटें, लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। भाजपा में दिख रहा उत्साह, नए मुख्यमंत्री की रेस में शामिल धन सिंह रावत ने धामी को लेकर कही बड़ी बात। घात की शिकायतों को गंभीरता से लेगी भाजपा, सरकार बनने के बाद उठाए जाएंगे कदम। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सहमत नहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, इससे हिंदुओं व सर्वाधिक नुकसान। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी पर्यटकों से गुलजार, होली के लिए होटलों में 60-70% तक बुकिंग। विधानसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए दीपिका पांडे ने दिया अपने पद से इस्तीफा। के लिए 4 विधायक अपने पद अपनी सीट छोड़ने के तैयार, ताज पर धामी की दावेदारी मजबूत। हरीश रावत के हार के बाद पहली बार मुस्लिम बीवी नमाज की छुट्टी पर हिंदुत्व को लेकर कही बड़ी बात। कांग्रेस विधायक को फोन पर जान से मारने की धमकी, मतगणना के दिन भाजयुमो जिलाध्यक्ष पर हो चुका हमला। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में की एयर स्ट्राइक, लवीव और खेरसाव में सुनी गई विस्फोट की आवाजों।
घेराबंदी तेज रूसी हमले में सैन्य एयरबेस तबाह, यूक्रेन की 362 टैंकों को नष्ट करने का किया वादा। इराक में अमेरिकी दूतावास पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, अमेरिका ने ईरान पर लगाया हमले का आरोप। यूक्रेन में रूस के रुख पर बोली कमला हैरिस, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध को बताया गंभीर, मदद का दिया ऑफर। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, ओमिक्रॉन से चीन, साउथ कोरिया समेत कई एशियाई देश बेहाल, भारत को रहना होगा अलर्ट। यूक्रेन में युद्ध रोकने को राजी नहीं रूस, पुतिन ने फिर ठुकराई विश्व नेताओं की अपील। अधर में लटकी चीन की आर्कटिक महत्वाकांक्षा क्षेत्र में नेटो के विस्तार की संभावनाओं को मिला बल। यूक्रेन के मंत्री की डिजिटल लड़ाई, सोशल मीडिया से कंपनियों पर बनाया दबाव, क्रिप्टो से जुटाए। दुनिया का बेस्ट स्नाइपर यूक्रेन पहुंचा, 3.5 किलोमीटर दूर से लगा देता है दुश्मन को ठिकाने, एक दिन में 44 दुश्मनों को ठिकाने लगा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1000 से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी, होली से पहले खुशखबरी। जीएसटी के प्रस्तावित नियमों से कारोबारियों की बढ़ सकती है परेशानी, वित्त मंत्रालय से वापस लेने की गुजारिश। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर के लिए खुशखबरी, आरबीआई ने डिजिटल लॉन्च पर रोक हटाई। FY22 में तेजी से बढ़ेगा देश का निर्यात, 410 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद, पीयूष गोयल ने दिया ये बयान। आईपीओ लाने की तैयारी में सचिन बंसल की कंपनी नेविटेक, सेवी के पास जमा किए दस्तावेज। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया 24 मार्च को पेश करेगी एफपीओ पब्लिक से 43 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ₹385 से आ रही है रॉयल इनफील्ड की नई बाइक, लॉन्चिंग से पहले सामने आई फोटो। ईपीएफओ ने घटाई पीएफ की ब्याज दरें, 2021-2022 में प्रोविडेंट फंड पर मिलेगा 8.1% ब्याज, बीते 40 साल से सबसे कम। दिल्ली एयरपोर्ट की बड़ी उपलब्धि, लगातार चौथे साल एशिया पैसिफिक में चुना गया सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, कोविड के समय मिले एक्सीलेंस अवार्ड। पेटेंट के उल्लंघन का मामला, लोहिता लाइफ साइंस के खिलाफ कार्रवाई, लासा ने 300 करोड़ का हर्जाना मांगा। पहली पारी में शतक से चूकने वाले श्रेयस अय्यर ने कहा, टीम के लिए खेलता हूं अपने लिए नहीं। कपिल देव ने बताया कि क्रिकेट में उनके हीरो कौन है, कहा काश मैं उनकी तरह बन पाता।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने की नए कप्तान की घोषणा, विराट ने दी प्रतिक्रिया। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2022 से पहले विरोधी टीमों को दी चेतावनी, बोले नया कटेगा तो 100% फटेगा। श्रेयस अय्यर ने टर्निंग टैंक पर खेली यादगार पारी, टीम इंडिया नहीं बना पाई बड़ा स्कोर। मिताली राज ने विश्व कप में रचा इतिहास, इस दिग्गज महिला क्रिकेटर ने रिकॉर्ड को तोड़ा। चालीस साल की झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास, बनी नंबर वन गेंदबाज। फाफ डुप्लेसी को मिली आरसीबी की कमान, फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान। क्रिकेटर्स को आईपीएल में भी फॉलो करना होगा बीसीसीआई का फिटनेस प्लान। उस्मान ख्वाजा ने अपने घर में ठोकी पहली सेंचुरी, 24 साल का सूखा किया खत्म। जल्द शुरू करेंगे क्रिस 4 की शूटिंग, राकेश रोशन ने फिल्म के लिए कसी कमर। फुकरे 3 की शूटिंग शुरू, तस्वीरों में मस्ती करते दिखे पुलकित, सम्राट और वरुण शर्मा। चकड़ा एक्सप्रेस की तैयारी, नेट पर पसीना बहाते दिखे अनुष्का शर्मा। जैकलिन फर्नांडिस का खुलासा, पहले लॉकडाउन में लेनी पड़ी थी थेरेपी, एक्ट्रेस ने कहा मेरी जिंदगी में मुझे अपनी। तहसीन पूनावाला को लगाई लताड़, कहा राजनीति ना करें वो अच्छे नेता बने। सोनम कपूर के ससुर से 27 करोड़ की साइबर ठगी, 4 राज्यों में 9 आरोपी गिरफ्तार। अजय देवगन की रनवे 34 अप्रैल को सिनेमा घरों में आएगी, इस फिल्म में अजय के अलावा अमिताभ बच्चन आएंगे नजर। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी, रिलीज के 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर होगी प्रीमियर। प्रभास स्टारर राधे श्याम और अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल हुई लीक, इसके साथ ही अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल भी पायरेसी का हुआ शिकार। मनोज वाजपेयी स्टारर गुलमोहर की शूटिंग शुरू, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है जानकारी। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।